मन बुद्धि को ठीक रखने के लिए पांच चीजें रोज ले लिया करो, रोज नहीं तो आठ दिन में ले लिया करो। महात्मा पारासर कह रहे हैं 15 दिन में ले लो, एक महीने में ले लो, दसवीं को ले लो एकादशी से एक दिन पहले। तो दसवीं को गलत विचार नहीं आएंगे, दिन में नींद नहीं आएगी एकादशी को, और व्रत बढ़िया हो जाएगा। वो कुछ चीजें क्या क्या है, गौमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिम कुशोदकम एक रात्रोपवासस्य कृष्णम सांतपनम स्मृतम। इससे स्मृति बढ़ेगी, माथे की सोचने की ताकत बढ़ेगी। क्या क्या लें, गोमूत्रम गौ माता का मूत्र, गोमयम गोवर का रस, क्षीरम यानी दूध, दधि यानी दही, ये सब चीजें मिला करके, और इसको कहते हैं पंचगव्य। इसकी बनाने की विधि है, जितना दूध है उसका आधा दही, जितना दही है उसका आधा घी, जितना घी है उसका आधा गोमूत्र, जितना गोमूत्र है उसका आधा गोमय। गौ माता देसी क्रिया का गोबर एक सूती कपड़े में लो, फिर उसको ऐसे निचोड़ो, इसका अर्क निकाला जाता है, उस अर्क की बूंदें निकल के आएंगी, उसको इसमें डालिए दूध दही में, गर्म मत कीजिए, सीधा सा इसको मिला के इस पंचगव्य को लीजिएगा। इससे बहुत आनंद आ जाएगा, आनंद इतना आवेगा कि बिल्कुल दिल और दिमाग के बिल्कुल विचार बदल जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा इस पंचगव्य की है। देवियां बच्चों के जन्म से पहले दूसरा तीसरे महीने में पंचगव्य लेती हैं, उसको संतान सुरक्षित होती है, वर्णन है बताया गया। बोलो भक्तो वत्सल भगवान की।